फ्रेंड्स, चलिए अब हम ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया है ये करेंगे। पी क्यू आर एस आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दैट अपीयर्स इन द प्राइस लिस्ट ऑफ अ कंपनी विद अ नोट दैट अ पर्टिकुलर आइटम और आइटम मे नॉट बी अवेलेबल ऑन डिमांड। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज मोर देन द कंपनी कैन सप्लाई एंड नॉन सप्लाई ऑफ एनी ऑफ देम विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर द रेस्ट। मतलब कंपनी के जो चार प्रोडक्ट है वो चारों प्रोडक्ट अच्छी खासी डिमांड में है। फॉर द कैलेंडर ईयर द कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग टेंटेटिव बजट दैट विल यूज अप ऑल द अवेलेबल सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड लेबर इन दैट ईयर। इसको अंडरलाइन करें। इनका कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास बजट है वो बजट हमारे सारा मटेरियल और सारी लेबर को कंज्यूम कर लेगा। अ लीनियर प्रोग्रामिंग वाज मेड बाय द कंपनीज अकाउंटेंट हु स्टेटेड दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द शैडो प्राइस केम टू रुपीज 2.5 पर लेबर आवर एंड रुपीज 16.5 पर केजी ऑफ मटेरियल। ही ऑल्सो सजेस्ट दैट प्रोडक्ट मिक्स विच हैज सिंस बीन फॉरगॉटन The accountant has left the company. The company now asks you as their management consultant to give your opinion about the budgeted program. Data from tentative budget are as under. Determine the optimum sale mix for the company. What difference the sale mix in A will make that in the tentative budget in respect of contribution. ठीक है सर। तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास मटेरियल है कितना या लेबर है कितनी, तभी तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट है हमारे पी क्यू आर एस। जो बजटेड क्वांटिटी है पी की है 1000, क्यू की है 1200, आर की है 1600 और एस की है 800। रॉ मटेरियल पर यूनिट जो है वो लगता है इसमें 2 kg, इसमें 3 kg, इसमें 4 kg और इसमें 5 kg। तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ इसमें 2000 kg, इसमें 3600 kg, इसमें 6400 kg और इसमें 4000 kg। कुल मिला के आपका जो टोटल रॉ मटेरियल है वो कितना होगा 16000 kg। ऐसे आर्स पर यूनिट देखेंगे हम, आर पर यूनिट है 3 आर्स, 4 आर्स, 2 आर्स एंड 5 आर्स। तो लेबर आवर्स हमारे कितने लग रहे हैं 3000, 4800, 3200, 4000। ये मेरे पास 15000 आवर्स है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से क्या अलग दिया है? इस क्वेश्चन में एक ये लाइन दी है, इस लाइन के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमारी लेबर की है 2.5 रुपए पर आवर्स और मटेरियल के है 16.25 रुपीज पर केजी।
ये इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, नया एडजस्टमेंट जो पहले अभी तक नहीं देखा था हमने। ठीक है, चलिए तो इसका एक कॉन्सेप्ट है उसे लिख ले। इफ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द रिसोर्स देन we should divert the resource from somewhere else to the production only when पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, only when कब the contribution to be achieved from the product is equals to or more than the opportunity कॉस्ट। इसका मतलब समझ लीजिए, हमारे मान लीजिए एक प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेबर की अलग दे दी और इसकी अलग दे दी, तो उनका कहना है कि प्रोडक्शन में आप तब लगाइए जब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा हो। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन। किस चीज का स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन? बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। देखिए यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट पी क्यू आर एस, इनका कंट्रीब्यूशन हमें पता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, देख लीजिए आप एक बार, सेल दे रखी है सभी की, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है, तो पहले का कंट्रीब्यूशन 40, 50, 70, 80, 40, 50, 70, 80, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेबर की, लेबर में इन्होंने बोला है कि हमारे को 2.5 रुपए पर यूनिट की पर आवर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो आवर्स कितने लग रहे हैं? 2.5 × 3, 2.5 × 4, 2.5 × 2 एंड 2.5 × 5। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मटेरियल की लगा ले,
मटेरियल की है 16.25, तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन कितनी हो गई मेरी, ये 40, ये 58.75, ये 70, ये 93.75। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी यस है, ये हमारी नो है। इनका कंट्रीब्यूशन यस वाले का हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बराबर है या कम है, बराबर है, और नो वाले में हमारी कंट्रीब्यूशन कम है। हेंस इट इज जस्टिफाइड टू डाइवर्ट दी रिसोर्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ पी एंड आर। पी एंड आर एज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये लाइन और ये कॉन्सेप्ट अभी तक किसी क्वेश्चन में हमने नहीं किया था, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। नो, वी हैव टू प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट, पी एंड प्रोडक्ट, ठीक है, जो रॉ मटेरियल लगता है इसमें 2 किलो लगता है और इसमें 4 किलो लगता है। जो टोटल रॉ मटेरियल है वो मेरे पास है 16,000 किलो। जो लेबर आवर्स है इसमें 3 घंटे हैं, इसमें 2 घंटे हैं, ठीक है, आपको कुछ दिख रहा है। और कंट्रीब्यूशन जो है इसमें 40 रुपए है, इसमें 70 रुपए है, कुछ समझ में आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। बताया था मैंने आपको कि जब कांस्टेंट है, इसमें देखिए अगर हम दोनों को एक साथ लेके जाएंगे तो हमें इसका ऑप्टिमम मिक्स निकालना पड़ेगा, दूसरे का भी ऑप्टिमम मिक्स निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं एलपी, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर ऑफ पी एंड आर। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x+7y सब्जेक्ट टू 2x+4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 16,000
वेयर एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ अप्लाई करेंगे हम ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए कॉन्स्टेंट लाइन वन है हमारी, 2x प्लस 4y इज लेस देन 16, और लाइन टू जो है वो है 3x प्लस 2y इज 15,000। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 4,000, y इज लेस देन इक्वल टू 7,500। पुट y इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 8,000 एंड x इज लेस देन 5,000। ठीक है, चलिए ग्राफ खींच देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन 16, ये x है ये y है। लेट 1 इज इक्वल टू 500, ये हमने एजम्पशन मान ली। तो y में कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब है 9 10 11 12 13, 14, 15, ठीक है। लाइन ड्रॉ करें, पहली लाइन है हमारी, कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 0, 4,000, और दूसरी है, तो जो पहली लाइन ड्रॉ करनी है वो इन दोनों के बीच में करनी है। और जो दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है वो करनी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं आया है, ग्राफ एक फ्रेश पेज पे बनाते हैं। ग्राफ हम लोग फ्रेश पेज पे बनाते हैं। ठीक है, वन इज इक्वल टू 1,000 लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
ठीक है। अब पहली जो लाइन है वो हमारी है 4000 एंड 8000 के बीच में, और दूसरी जो लाइन है वो हमारी है 7500 एंड 5000 के बीच में। ठीक है, इसको हम जब ड्रॉ करेंगे प्रॉपर वे में तो ये लाइन एक्स पे तो 3000 के आसपास काट रही है और जो वाई पे काटेगी वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आया है, यहाँ कटेगी। ठीक है, ये हमारा फीजिबल रीजन है। ये हमारा फीजिबल रीजन है। इनके जो पॉइंट है ये 0 0 है, ये 0 4000 है, ये 3000 एक्स पे है और 2250 वाई पर आएगा और ये आएगा 5000। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस 0 0 0 4000 3000 2250 5000। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन 40xz = 40x + 70y, 40 × 0 + 70 × 0, 40 × 0 + 70 × 4000, ये आएगा 280000। ये 0, 40 × 3000, 70 × 2250, यह आएगा 297500। 40 × 5000, 70 × 0, ये आया 200000 रुपये। मैक्सिमम हमारा है यहाँ पर, सो x = 3000 and y = 2250 यूनिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? 297500, 297500, समझे आप? अब हम देखेंगे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट क्या होगा। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट देख लीजिए आप, PQRS, PQRS क्वांटिटी कितनी थी? 1000, 1200, 1600, 800। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 40, 50, 70, 80। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 40000, 60000, 64000, 112000,
इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,76,000। हमने जो प्रोडक्शन किया उसमें प्रॉफिट आया 297,500, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था 276। इट मींस जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो कितने से इंक्रीज हुआ, 21,500 से। ठीक है, इसमें बाकी चीजें बड़ी सिंपल थी। आपने क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दो नए कॉन्सेप्ट हमने सीखे। एक कॉन्सेप्ट ये सीखा कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर दी हो तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, उस केस में हमें वो कंट्रीब्यूशन पर रैंकिंग रैंकिंग बनाने की जरूरत ही नहीं हुई। हम डायरेक्ट यहीं से ये निकाल लिया कि हमें कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने दोनों रिसोर्सेज थे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि दो अगर रिसोर्सेज दिए हो और दोनों ही कॉन्स्टेंट हो, दोनों प्रोडक्ट हो, तो आप उसमें एलपी लगा सकते हैं। ठीक है, एलपी इवन जब मैंने पढ़ाई थी आपको तो कॉन्सेप्चुअली यही समझाया था कि एलपी हम लगाते क्यों हैं। चलिए, आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। ओके।